नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर एक ट्रेडिंग रिलेटेड जो है क्वेरी है आप लोगों का, और ऑर्डर टाइप का एक क्वेरी है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि राउंड नंबर में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए और ना ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो इसका क्या रीज़न है, मुझसे मेरे कितने व्यूवर ने पूछा कि आप हमेशा बोलते भी, मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि कभी भी राउंड नंबर पे स्टॉप लॉस को नहीं लगाना चाहिए। जब भी लगाना है ऑड नंबर पे कोशिश करना और पॉइंट का इस्तेमाल करना है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो बताया भी था मैंने कई बार कि ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, और साइकोलॉजिकल चीज़ इसमें इंक्लूड क्या है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। वीडियो पूरा सुनना है दोस्तों, देखने जैसे तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ सुनना है। तो इसके रीज़न क्या है, सबसे पहले ना इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग अपने दिमाग के कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो किस तरह से सोचता है। ये आपने अक्सर फील किया होगा, आपके साथ भी ऐसा होता है, पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो इस बात को। मैं कोशिश करता हूँ आपको, आपका ध्यान उस तरफ, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं उसकी तरफ ले जाने की। मान लेते हैं कि आज आप मार्केट जा रहे हैं सुबह में, मॉर्निंग में, ठीक है, मार्केट आप जा रहे हैं सुबह में मॉर्निंग में, और आपको आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, टमाटर खरीदना, कुछ भी खरीदना है, सब्जी वगैरह कुछ भी खरीदना है, और सब्जी वाले से आप आलू की कीमत पूछते हैं, तो सब्जी वाला आपको क्या बोलता है? अगर एक किलो आलू का दाम पूछा जाए तो सब्जी वाला क्या बोलेगा? जैसे आलू वाला बोलेगा 20 रुपया, आलू वाला बोलेगा 15 रुपया किलो, आलू वाला बोलेगा 18 रुपया, आलू वाला बोलेगा 22 रुपया, 25 रुपया। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि 22 रुपया 50 पैसा किलो है, या 22 रुपया 55 पैसा किलो है, या 22 रुपया 65 पैसा किलो, या 23 रुपया 65 पैसा किलो है, या 25 रुपया 55 पैसा किलो है। क्यों? और ना ही हम कभी सब्जी वाले को ये बोलते हैं लेते वक्त कि अच्छा ठीक है भाई, तुमने 23 रुपया दिया, तो चलो तुम 23 रुपया 22 रुपया 50 पैसा 55 पैसा ले लो। नहीं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि तुमने 23 बोला है तो चलो 22 में लगा दो, ठीक है, ऐसा हम लोग सोचते हैं इस बात को। तो इसको देखते हुए दोस्तों, इसको देखते हुए यहाँ पर जो है, तो इसी तरह जैसे ये हम लोगों ने आलू वाला का एग्जांपल लिया, आप कहीं भी, आपसे भी अगर कोई कुछ चीज़ का दाम पूछता है कि भाई आपने ये जैकेट कितने में लिया, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि ये 1000 में लिया है ना। कभी भी आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आपने 998 रुपया 55 पैसा में लिया या इतने में मिला, वो मिलेगा भी नहीं आपको, 999 में मिल जाएगा, 998 रुपया 55 पैसा पे नहीं मिलेगा। तो ये एक्चुअली हमारा दिमाग जो होता है ना, हमारा दिमाग राउंड नंबर को ज़्यादा पहले टैकल करता है। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो है कोई भी चीज़ को इजी वे में लेने की कोशिश करता है, राउंड नंबर, राउंड फिगर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है। तो उस तरह से जब स्टॉक मार्केट में हम लोग काम करते हैं, तो जब आप बाय या सेल करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मान लेते आपने कोई 500 के प्राइस पे बाय किया, सपोज आपने 500 के प्राइस पे बाय किया और आपने 495 का स्टॉप लॉस लगाया, चूंकि आपका दिमाग है वो ब्रेन जो है वो राउंड नंबर ही लेगा, 495 आपने ऑटोमेटिक उसका स्टॉप लॉस लगाया। तो जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं इस मार्केट के, उनको ये साइकोलॉजी पता होता है कि जो बंदा है सामने वाला है ना, जो सामने वाला बंदा है, वो स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे लगा सकता है। 400-500 पे अगर प्राइस है तो वो ज्यादा ज्यादा 498 लगाएगा, 496 लगाएगा, 494 लगाएगा, 495 लगाएगा। तो वो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही इजी वे में काटने की क्षमता रखता है, वो आराम से काट सकता है, आराम से, कहीं कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम एक बार प्राइस रखेगा उतना और वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हो सकता है आपका 495 वो उसने 496 रखा स्टॉप लॉस, तो किसी और का कटा, आपका नहीं कटा, या आपका काटते हुए वो निकल जाएगा नीचे 495। लेकिन अगर आप उस नंबर को आप इस तरह से रखाएंगे, 495 पे रख के नहीं, 494 रुपया 65 पैसा, 494 रुपया 75 पैसा, 85 पैसा, ये चीज़ कभी भी सामने वाले बंदे के दिमाग में नहीं जाएगा कि ये बंदा, सामने वाला जो प्लेयर है, वो इसको राउंड ऑफ करके रखा हुआ है, माने राउंड फिगर में नहीं बल्कि राउंड को छोड़ के रखा है, पॉइंट में रखा है। क्योंकि हमारा ब्रेन पॉइंट को जल्दी कैच करने की कोशिश नहीं करता है, हम लोग सीधे राउंड नंबर मांग लेते हैं कि भाई तुम हमें एक मोटा मोटी बता दो क्या प्राइस है ना, तो मोटा मोटी प्राइस बता दिया जाता है, 1000 रुपीज़, 1020, 1100, इस तरह से। आप जरा इसको देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो अगर आप क्वांटिटी लेते हैं ना, क्वांटिटी तो किसी भी स्टॉक का अगर मिनिमम क्वांटिटी होता है तो मैक्सिमम लोग 5 से शुरू करता है, या जो एकदम लर्नर होते हैं बिगनर 5 से शुरू करता है, 10 से शुरू करता है, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 100, 150, 200, 250, 300, इस तरह से। कभी भी कोई भी बंदा इस तरह से नहीं लेता है 23,
28, 32, 33, 55, 56 या 59, 58, 67, 66 इस तरह के क्वांटिटी हम लोग कभी सेलेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो है टोटली उस तरह से राउंड नंबर को ही पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए हमारा ऑटोमेटिक जो सिलेक्शन होता है ना राउंड नंबर में सिलेक्शन होता है। तो सामने वाला जो स्मार्ट प्लेयर है उसको हमारा कमजोरी, हम लोगों का जो कमजोरी है, वीकनेस है, ये ब्रेन का ये चीज़ पता है कि भाई ये बंदे ने स्टॉप लॉस अगर लगाया होगा तो कोई ना कोई राउंड नंबर ही लगाया होगा, है ना। तो इजी वे में राउंड नंबर के स्टॉप लॉस को उड़ा सकता है। इसलिए मैं अक्सर अपने वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं हमेशा राउंड नंबर मत यूज करिए, हमेशा पॉइंट में यूज करिए। कोशिश करना है पॉइंट में, और ऑड नंबर यूज करना है, ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं बल्कि ऑड नंबर यूज करना है। एक जैसे 500 रुपया पे, फिर एग्जाम्पल लेता हूँ, 500 रुपया पे लिया ना, तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, जैसे एक एग्जांपल 495 लगाना है तो नहीं लगाएंगे हम लोग 495, हम लोग 494.85 लगा देंगे, 494.75 कर देंगे। इस तरह से ही हम लोग उसको कर सकते हैं, कभी भी उसको राउंड ऑफ लगाने की कोशिश नहीं करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, अपने लाइफ से जुड़ा हुआ ही एग्जांपल है उसको लेते हैं। जैसे कि आपको मॉर्निंग में उठना है ना, तो आप जो अलार्म लगाते होंगे मोबाइल में या घड़ी में, कितने बजे का अलार्म लगाते हैं आप? लगाते होंगे सुबह 6 बजे का, या 4 बजे का, या 4:30 बजे का, 4:30 का, या 5 बजे का, 5:30 बजे का। कभी आपने इस तरह का अलार्म नहीं लगा होगा, 5:35, इस तरह का अलार्म आपने नहीं लगा होगा, 5:25 नहीं लगाया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा राउंड नंबर पड़ेगा, कोशिश करता है पहले राउंड नंबर को एक्सेप्ट करने के, इसलिए सीधे 5:30 का लगाएंगे, 5:25 AM का अलार्म नहीं लगाते हैं। तो यही वजह से जब हम लोग मार्केटिंग करने भी जाते हैं नॉर्मल अपने मार्केट में, तो हम लोग कोई भी चीज़ का, सामान का अगर मोल भाव करते हैं तो हमेशा राउंड नंबर ही इस्तेमाल करते हैं, राउंड नंबर ही पूछते हैं सामने दुकानदार वाले से, और वो भी हमें राउंड नंबर में ही बताने की कोशिश करता है। कभी भी वो ऑड नंबर नहीं बोलेगा और पॉइंट में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना साइकोलॉजी से जुड़ी हुई, तो आपको सबसे पहले अपना ब्रेन के बारे में समझना कि हमारा जो दिमाग है ना किस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करता है। जैसे कि हमारा दिमाग, मैं यहाँ पे एकदम एक्सेप्ट कर बताता हूँ आप लोगों को कि हमारा दिमाग कोई भी अगर पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़ें अगर आपके सामने रख दी जाए ना, तो हमारा दिमाग सबसे पहले निगेटिव चीज़ों की तरफ ही जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जल्दी एक्सेप्ट होता है। किसी व्यक्ति का अगर बुराई कर रहा है कोई ना, तो हम लोग जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। किसी चीज़ की अच्छाई को बताया जाता है तो उस पर सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये इतना अच्छा क्यों है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बुराई उसको करना शुरू करता है तो तुरंत ही एक्सेप्ट हो जाता है कि नहीं, जरूर सही बात है, जरूर ऐसा ही होगा वो बंदा। हमारा दिमाग ही उस तरह का ब्रेन बना हुआ है कि हम निगेटिव चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो और वो जो है ना कि राउंड फिगर वाला नंबर, वो पहले एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो पॉइंट में होते हैं ना उस पर हम लोग जल्दी ध्यान नहीं देते। और जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, वो पॉइंट वाले नंबर को ही, वो उसको पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति राउंड नंबर लगाया होगा, लेकिन उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा पॉइंट में लेकर चलेगा। तो मैक्सिमम टाइम आपने मेरा भी देखा होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है कभी कभी 5 पैसे 10 पैसे से वो बच जाता है। इसका रीज़न क्या है? वही जो पॉइंट में लगा होता है ना, इसका रीज़न यही होता है। इसलिए मैं सारे लोगों को कहता हूँ कि भाई जब भी यूज़ करें हमेशा ऑड नंबर यूज़ करें और पॉइंट में यूज़ करें। उसके वजह से क्या होगा कि आपके मैक्सिमम बारिश, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, बल्कि ये कहता हूँ कि इसके वजह से आपका मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस बच सकता है हिट होने से। तो इस चीज़ को देखिए, अभी थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, तो नॉइज़ आने की वजह से क्या है ना कि ये मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ कहीं पर शाम के वक्त में, तो इस वजह से इस नॉइज़ आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी चाहूँगा, माफ़ी, समय नहीं मिल पा रहा था। और आया हूँ इधर डांस क्लास बेटी को पहुँचाने, तो बगल में पार्क था, मैं वहीं पर बैठ के ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, है ना, कि आपको नॉइज़ का परेशानी हो रहा हो। तो इस चीज़ को समझिए कि दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग इवेन नंबर को पढ़ता है, हमेशा राउंड नंबर को पढ़ता है, ऑड नंबर को नहीं पढ़ता जल्दी, पॉइंट को नहीं पढ़ता, और हम लोगों को हमेशा कोशिश करना है पॉइंट में काम करने का। तो इसके वजह से हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम बच सकता है, और मैं यही कारण है कि मैं भी पॉइंट में ही स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपका जो वो क्वेरी था कि मैं राउंड नंबर में क्यों नहीं यूज़ करता, हमेशा पॉइंट में यूज़ क्यों करता हूँ, तो इसका सवाल आपको जवाब जो है इस सवाल का मिल गया होगा। तो अगर ये चीज़ अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकती है ट्रेडिंग लाइफ में, तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, और मिलते हैं दोस्तों फिर नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।